मुझे पता है मेरे भाइयों आपको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है अपने सैमसंग गैलेक्सी जेसन प्रो में। तो हे व्हाट्स अप गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गुड टेटर्स पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी जेसन प्रो है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और उनका कोई सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो यार वीडियो बने रहना, कैसे इसकी मत करना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो ज्यादा सुनने वाले डिस हो गए थे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आई थी, बहुत से लोगों ने कमेंट की थी कि भाई हमें ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे फ़ोन में। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, सबकी भी प्रॉब्लम छोटी अलग अलग थी, मैं सबको एक साथ कवर कर रहा हूँ। तो जिसकी प्रॉब्लम है सुनते रहना क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है स्लो चार्जिंग की। आपने यार नोटिस किया होगा जब भी सैमसंग किसी को FOT अपडेट देता है तो उसमें यार स्लो चार्जिंग दिक्कत आती आती है, और ये हर फोन में होता है, इसमें भी हो रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको आ रही है, कुछ कुछ लोगों को आ रही है, कुछ को नहीं आ रही है। जिसको आ रही है उसके लिए काफ़ी बुरी दिक्कत है, जिसको नहीं आ रही है उसके लिए थम्स अप। एंड बात करते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम की, वो सेकंड प्रॉब्लम ये है, आपने नोटिस किया होगा जो आपकी वोल्टी है वो बार बार डिसेबल हो रही है, मतलब कि वोल्टी से हटके ऑटोमेटिक डिसेबल हो रही है। एंड आपकी कॉल ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर जैसे आप बात कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपकी कॉल कट रही है। तो यार नेटवर्क भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं इस वे में। अब ये कुछ कुछ लोग आ रहे हैं, बहुत सी कमेंट मेरे पास थी भी जिसमें थे, किसी ने कहा था मुझे कुछ नहीं आ रही दिक्कत। अगर फ्रेंड्स बात करें अपनी तीसरी प्रॉब्लम की, तीसरी प्रॉब्लम है बग। बग में क्या आ रहा है, आपकी जो ऐप है वो ऑटोमेटिक क्रैश हो रही है, मतलब कि आप किसी थर्ड पार्टी को ऐप को यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका फोन होम पे आ रहा है। अब बार बार क्रैश हो रही है एप्लीकेशन, यूट्यूब क्रैश हो रही है, एंड आपका डेलर भी क्रैश हो रहा है जो कि ऑफिशियल है, पर वो भी है क्रैश हो रहा है कभी कभार। आप कॉल कर रहे हो, कॉल नहीं मिल रही किसी पे, तो वो नेटवर्क में आती है। बट एक तरीके से जो बग है यार वो काफ़ी ज़्यादा आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी जेसन प्रो में, और ये सबके लिए नहीं आया है, बहुत ही कम लोगों को दिक्कत आ रही है। अब मुझे लगता है यार प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सैमसंग यार एक FOT अपडेट देता है, उसके बाद एक OT अपडेट भी देता है जिसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको यार फिक्स कर देता है। तो देखते हैं कब तक अपडेट आता है और ये प्रॉब्लम्स यार कब तक कितनी रहती हैं और कहाँ तक किस किस को आती हैं और क्या क्या आती हैं। अगर आपको कुछ अलग ही प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता देना। और मैंने एक वीडियो भी देखी थी यूट्यूब पे जिसमें यार एक प्रॉब्लम आ रही थी, जो आपको मोबाइल है वो मिनट नेट पर रीबूट हो रहा था, अपना भी स्विच ऑफ हो रहा था, अपना भी ऑन हो रहा था। ये प्रॉब्लम यार थोड़ी किसी किसी बंदे को आ रही, बहुत ही कम, 100 में से 2 बंदे मान लो, मतलब 100% लोगों में से 2% लोगों को दिक्कत आ भी रही है वाली कि आपका फोन ऑटोमेटिक रीबूट हो रहा है। तो मुझे लगता है आपको वीडियो पहले वीडियो लाइक करना और कमेंट बताना मुझे कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो थी, मुझे लगता है वीडियो पहले वीडियो लाइक कर देना, एक बार दोबारा कह रहा हूँ यार लाइक करना बनता है, मैं मेहनत कर रहा हूँ कसम से, बहुत देर से बैठा हूँ यहाँ पे, बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइस आ रही है आपको, उसका कारण कुछ अलग है। तो लाइक करना मत भूलना, और हो सके चैनल सब्सक्राइब करना जी, बटन को लाल करके तो गई करना, साइड बेल होगी उसको, अगर जब भी मैं ऐसी वीडियो लाऊंगा आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी, सोचा करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो थी, मैं दोस्तों में